बाराबंकी से बड़ी खबर, बीजेपी नेता की दबंगई का वीडियो हुआ वायरल। भाजपा नेता ने अस्पताल में घुसकर स्वास्थ्य कर्मी को पीटा। मास्क लगाने को लेकर स्वास्थ्य कर्मी और बीजेपी नेता में हुई थी बहस। स्वास्थ्य कर्मी की पिटाई से नाराज चिकित्सकों ने बंद की ओपीडी। अस्पताल के स्टाफ ने किया कार्य बहिष्कार। स्वास्थ्य कर्मी की तहरीर पर बीजेपी नेता पर दर्ज हुआ मुकदमा। संयुक्त चिकित्सालय सिरौली गौसपुर का है पूरा मामला। बाराबंकी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां मास्क न लगाने को लेकर संयुक्त चिकित्सालय सिरौली गौसपुर के स्वास्थ्य कर्मी रवि कुमार और भाजपा कार्यकर्ता पुष्पेंद्र शुक्ल में मारपीट हो गई। पुष्पेंद्र कोरोना की जांच कराने पहुंचे थे, जहां स्वास्थ्य कर्मी ने उन्हें मास्क लगाने की नसीहत दी। इस पर पुष्पेंद्र ने कहा कि आप भी तो मास्क नहीं लगाए हैं। इतने में दोनों के बीच कहासुनी हो गई। दोनों ने एक दूसरे को मारा पीटा। मारपीट से नाराज स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना जांच, टीकाकरण और ओपीडी समेत अन्य स्वास्थ्य सेवाएं बंद कर दी। वहीं स्वास्थ्य कर्मी कार्रवाई की मांग लेकर कोतवाली पहुंच गए और जमकर नारेबाजी की। इस पूरे मामले का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने देर शाम भाजपा नेता पुष्पेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।